देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। 72 घंटे पहले जो एक हत्या हुई थी, जी हाँ, रीवा के नए बस स्टैंड में सफारी से जा रहे दो लड़कों ने स्कूटी और मोटरसाइकिल से जा रहे 5 लोगों से, दोनों के बीच में आपसी विवाद हुआ था। उस विवाद में दीपक मिश्रा नामक लड़के की मौत हो गई थी। सफारी में सवार लड़कों ने पिस्टल से फायर किया, उसको 2 गोलियां लगी। उन गोलियों में की वजह से दीपक मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस ने लगातार दबाव डाला उनके परिजनों को, उनके मित्रों पर लगातार दबाव डल रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों युवकों ने अपनी गाड़ी में हथियार छोड़ दिया था। पुलिस ने उसको एक दिन पहले ही बरामद कर लिया था। लगातार परिजनों के दबाव डालने पर आज दोनों युवकों को चौराहटा थाने से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, पूरा चौराहटा थाने से दोनों युवक गिरफ्तार हो गए हैं। एसपी रीवा ने इस घटना का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी टीम ने मेहनत की, हमें एक बड़ी चुनौती थी, हत्या इस तरीके की हत्या होना हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। हमने इस हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए गंभीरता से प्रयास किया, जिसका नतीजा है 72 घंटे के दौरान उन दोनों अपराधियों को हमने पकड़ लिया है। अब इनको कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसके बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। घटना की जानकारी देते हुए एसपी रीवा ने बताया, रोहित तिवारी और गौरव सिंह नामक इन दोनों लड़कों को हमने चौराहटा से गिरफ्तार कर लिया है। अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद ही इन पर आगे की कार्रवाई होगी। आरोपी नहीं, आरोपी गण पकड़े गए हैं। 2 आरोपी हैं, एक का नाम गौरव सिंह है, दूसरे का नाम रोहित तिवारी है। दोनों पकड़े गए हैं और घटनाक्रम आप सभी लोगों को ज्ञात ही होगा। इन आरोपियों पर लगातार दबाव बन रहा था, तो कल उन्होंने गाड़ी छोड़ के भागे और फिर इनके ऊपर और इनके जो भी परिजनों के यहाँ दबिश दी गई, तो उसके परिणाम स्वरूप आरोपियों को चौराहटा क्षेत्र से पकड़ने में सफलता मिली है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियार भी जब्त हुआ है। मामले में पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करके कल उसको पूरी कार्रवाई करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, कहाँ से गिरफ्तार है? चौराहटा क्षेत्र से भी गिरफ्तार। उसकी भी जांच की जा रही है, लगभग 2 या 3 मामले हैं उनके। इनाम भी सर घोषित? हाँ, 10,000 रुपये का इनाम मैंने तत्काल घोषित किया था। अभी योजना टीम बनाई थी, सब लगे हुए थे, मैंने अधिकतम प्रयास किया था। हालांकि दो लोगों का आपस के संघर्ष का मैटर था, लेकिन इस तरह की घटना होना हमारे लिए चुनौती थी और इसको हमने चुनौती को स्वीकार करके कार्रवाई कर हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।